हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बढ़ते हैं डिटरमिनेंट्स में। हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है। यूजिंग प्रॉपर्टीज हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है राइट साइड में ए माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए। ए माइनस बी कैसे आ सकता है? अगर इसमें से मैं ये सबट्रैक्ट कर दूं तो ए माइनस बी दिखेगा, और बी माइनस सी अगर इसमें से मैं ये सबट्रैक्ट कर दूं तो बी माइनस सी दिखेगा। तो बड़ा इजी सा लग रहा है, चलो देखते हैं करके। एक और बात बता दूं, हमको मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करनी चाहिए किसी रो या पर्टिकुलर कॉलम में। यहां देखो ये तीनों वन है ना, अगर मैं इसमें से ये सबट्रैक्ट करूंगा तो वन माइनस जीरो, और इसमें से ये सबट्रैक्ट करूंगा तो भी वन माइनस वन जीरो, तो दो जीरो भी मुझे दिख रहे हैं। चलो मैं राइट साइड को देखते हुए ऑपरेशन लगाने की कोशिश करता हूं। तो ए माइनस बी मुझे कब दिखेगा? जब मैं आर वन में से आर टू माइनस कर दूंगा, यानी मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं आर वन में, क्या आर वन माइनस आर टू। और बी माइनस सी कब दिखेगा? जब आर टू में से मैं आर थ्री सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो आर टू में सबट्रैक्ट कर देता हूं मैं आर टू माइनस आर थ्री। दो दो ऑपरेशन हम एक साथ भी लगा सकते हैं, आपको टिपिकल लग रहा हो तो पहले आप एक ऑपरेशन लगाना, अगले स्टेप में दूसरा भी लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम बचता है दो ऑपरेशन एक साथ लेने से। तो R1 माइनस R2 अगर हम लोग लगाएं, यानी पहली रो में से दूसरी रो माइनस कर दे, तो 1 माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू इंटू ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ देखो दूसरे रो में R2 माइनस R3 लगाना है, यानी R2 में से R3, तो 1 माइनस वन जीरो, ये क्या हो जाएगा b माइनस सी, और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। इसी तरीके से तीसरे में तो मैंने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं, तो तीसरा एज इट इज लिखा रहने दो, वन सी और सी स्क्वायर। थोड़ा सा डेंस हो गया है तो ऐसे अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे टोटल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहली रो देखो, अब पहली रो में से ए माइनस बी कॉमन है, यहां भी है यहां भी है, और यहां तो आई है, जीरो इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो ना, तो यहां से ए माइनस बी कॉमन ले लो जरा। तो a माइनस बी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? जीरो, यहां क्या बचेगा? वन, और यहां क्या बचेगा? a प्लस बी। ठीक है, यहां से मैं b माइनस सी कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने b माइनस सी भी कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा? जीरो, यहां क्या बचेगा? वन, और यहां क्या बचेगा? b प्लस सी। और तीसरे में मैंने कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज रहने देता हूं, तो यहां मैंने कॉमन ले लिया, तो अब मेरे पास बचा a माइनस बी इंटू b माइनस सी। और अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो, क्योंकि एक कॉलम में दो जीरो मिल गए हैं तुम्हें, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो। तो जब एक्सपेंड करोगे तो केवल इस एलिमेंट से हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, बस वन से लिखेंगे हम लोग। तो पहला जीरो हो जाएगा, दूसरा जीरो हो जाएगा, और कन्वेंशन देखो प्लस माइनस प्लस, तो यहां पर माइनस लगा देता हूं और प्लस माइनस प्लस, वन इंटू वन इंटू, ये चार बचे ना हमारे पास, तो दिस मच इंटू दिस, यानी वन इंटू बी प्लस सी माइनस वन इंटू ए प्लस बी, वन इंटू ए प्लस बी। देखते हैं क्या आता है निकल करके, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और जीरो जीरो हटा दिया, वन हटा दिया, ये हो गया बी प्लस सी माइनस, ये क्या हो गया? ए प्लस बी। तो यहां से बी और बी कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते, यहां क्या बचेगा? सी माइनस ए, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यही बच्चों हम लोगों को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का सेकंड पार्ट, इसमें भी कुछ हमें प्रूफ करना है a माइनस बी पिछले वाले की तरह, b माइनस सी। तो a माइनस बी कैसे मिलेगा? इसमें से ये सबट्रैक्ट करें, यानी c1 में से c2 माइनस करना होगा, और b माइनस सी कैसे मिलेगा? c2 में से c3 माइनस करना होगा। तो हम लोग दो ऑपरेशन एक बार में लगा सकते हैं, तो मैं दोनों लगा देता हूं। क्या ऑपरेशन बनेगा यहां पर हमारा? c1 में अप्लाई कर रहा हूं c1 माइनस c2, और c2 में अप्लाई कर रहा हूं c2 माइनस c3, c2 में अप्लाई कर रहा हूं c2 माइनस c3। चलो तो c1 में से c2 माइनस करो, तो 1 माइनस वन जीरो, वैसे भी तीनों वन दिख रहे होते हैं तो ऐसे ही माइनस किया जाता है, वन माइनस वन जीरो और वन माइनस वन जीरो, दो जीरो मिल जाएंगे, एक्सपेंड कर दोगे अपने आप प्रूव हो जाएगा, यह वैल्यू निकल आएगी। चलिए तो 1 माइनस वन जीरो, यहां से c1 में से c2 माइनस करेंगे तो a माइनस बी, और यहां क्या आ जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब। 1 माइनस वन जीरो, ये ऑपरेशन लगा रहा हूं c2 में से c3 माइनस कर रहा हूं, b माइनस सी,
और ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये वाला ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है। इसके आगे बच्चों यहां पर करता हूं मैं, तो जीरो ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी इंटू, यहां लिख दे रहा हूं साथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हो जाएगा। ये जीरो रह जाएगा, ये बी माइनस सी हो जाएगा, और ये वाला एलिमेंट तीसरा वाला जो है वो क्या हो जाएगा, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यानी बी माइनस सी इंटू, नीचे लिख दे रहा हूं बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरीके से यह तुम्हें ये देख के अजीब लग रहा होगा, चार कॉलम वो लग रहे होंगे एलिमेंट, तो उस बराबर में ही लिख देता हूं। तो ये इंटू में आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए ये एलिमेंट कितना है, जीरो, ये कितना है बी माइनस सी, ये कितना है हमारे पास बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब को ओपन करो, तो बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरा वाला एज इट इज रहेगा वन सी सी क्यूब। अब यहां से देखो, इसमें से a माइनस बी कॉमन है, इसमें से b माइनस सी कॉमन है, ऊपर जीरो है ना, तो यहां से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन ले लेता हूं, पहले कॉलम से a माइनस बी कॉलम लिया, कॉमन लिया, तो यहां क्या बचा, जीरो वन, और यहां क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वैसे मैं चाहता तो भाई दो जीरो मिलने हैं तो यहीं पर एक्सपेंड कर सकता था वन के अबाउट, लेकिन अभी कैलकुलेशन थोड़ी और बचाई जा सकती है, और जो हमें प्रूफ करना है वो कॉमन में मिल रहा है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं। यहां से b माइनस सी कॉमन ले सकता हूं मैं, तो b माइनस सी मैंने कॉमन ले लिया, इंटू में चल रहा है इसके साथ, तो यहां क्या बचा, जीरो, यहां क्या बचा, वन, यहां क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, फिर वन सी और सी क्यूब, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, नहीं। चलिए अब एक्सपेंड करेंगे इसको फर्स्ट रो के अबाउट, क्यों, क्योंकि इस पे दो जीरो मिल रहे हैं हमको, तो फर्स्ट रो के अबाउट अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये जीरो तो गायब, केवल वन के लिए कैलकुलेशन करनी होगी हमें, इस वाले एलिमेंट के लिए, वन के लिए। तो ये होता है प्लस माइनस प्लस, यानी कि क्या होगी कैलकुलेशन, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जीरो इंटू करोगे तो वो जीरो आएगा, फिर ये जीरो इंटू करोगे तो ये भी जीरो आएगा, फिर वन के लिए करेंगे तो वन इंटू क्या बचा हमारे पास, वन इंटू दिस मच, यानी कितना हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस दिस, ये कितना हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जरा देखते हैं क्या बचा हमारे पास, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो अंदर मेरे पास बचा सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और बाहर क्या चल रहा है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। जरा इसको ध्यान से देखो, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये बी सी माइनस ए बी। चलिए यहां बता देता हूं आपको, थोड़ी कैलकुलेशन इधर कर देता हूं, देखो ध्यान से जरा, तो बाहर चल रहा है मेरे पास ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ब्रैकेट के अंदर देखो, अगर मैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिख देता हूं और प्लस बी सी माइनस ए बी को एक साथ लिख देता हूं, और यहां पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकता हूं, यहां से बी कॉमन तो ये भी सी माइनस ए हो गया, और बाहर क्या चल रहा है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये हो गया ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहां से दोनों से सी माइनस ए कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा बच्चों, सी प्लस ए प्लस बी, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो ए माइनस बी b माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। थोड़ी सी यहां पर हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, देखें ये प्रूफ करना है। अब इसमें भी देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, देख रहे हैं x माइनस वाई कैसे मिलेगा, इसमें से ये सबट्रैक्ट करें, इसमें से ये सबट्रैक्ट करें, और इसमें से ये, और y माइनस जेड कैसे दिखेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी रो में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना जरा, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ आर वन में से आर टू माइनस करना पड़ेगा मुझे, और दूसरा ऑपरेशन लगा सकता हूँ आर टू में से आर टू माइनस आर थ्री, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहला ऑपरेशन आर वन माइनस आर टू, यानी पहली रो में से दूसरी रो माइनस कर दो, तो ये आएगा x माइनस वाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी तरह आर टू माइनस आर थ्री अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला कॉलम क्या आ जाएगा हमारे पास,
वाई माइनस जेड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा, यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। चलिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ से z कॉमन है, बल्कि माइनस का z अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, क्योंकि पूरे में x माइनस वाई फिर कॉमन ले पाऊंगा मैं, ठीक। यहाँ पर y माइनस जेड रहेगा, और यहाँ y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर x कॉमन है लेकिन माइनस का x कॉमन लो तो क्या बचेगा, y माइनस जेड, y माइनस जेड, और तीसरे में एज इट इज लिखा रहने, तो इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हुआ है। अब पहले वाले में से देखो x माइनस वाई कॉमन हो सकता है पहली रो में से, तो पहली रो में से x माइनस वाई कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा मेरे पास यहां पर 1, यहां क्या बचा x प्लस वाई, यहां क्या बचा माइनस का z, यहां से y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूं मैं, y माइनस जेड कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा यहां पर बचा 1, यहां क्या बचा y प्लस जेड, और यहां क्या बचा मेरे पास माइनस का x, और ये एज इट इज रहने देता हूं z, z स्क्वायर इंटू एक्स वाई। ध्यान से देखो मैंने किस तरीके से इसमें कॉमन ले रखा है। तो अब एक काम करते हैं कि तीसरा वन तो मिला नहीं, कोई बात नहीं, इसी में फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस कर देते हैं, रुक, तो कम से कम एक जीरो तो मिलेगा, फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। नहीं, आर वन में अप्लाई कर देता हूँ, आर वन माइनस आर टू मैंने अप्लाई कर दिया, तो इन दोनों में तो वन माइनस वन कितना होगा जीरो, और ये माइनस करूँ तो वाई वाई कैंसिल होगा, क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, और ये माइनस करूँ तो माइनस जेड माइनस माइनस का एक्स, यानी कि प्लस एक्स माइनस जेड। चलो काम आसान होता दिख रहा है, क्योंकि अब ऊपर से एक्स माइनस जेड भी कॉमन हो सकता है, जो कि हमें चाहिए भी बाहर, बाहर है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। चलो एक्स माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, अब जरा हमें यहाँ पे जेड माइनस एक्स चाहिए ना, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ से एक्स माइनस जेड अभी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा हमारे पास 0 1 1, इसमें से लिया 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, अगर इन दोनों को माइनस कर दे तो एक जीरो और मिल जाएगा इस वाले रो में, तो माइनस कर देता हूँ इन दोनों को, यानी कि मैं ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ सी टू माइनस सी थ्री अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और ऑपरेशन अगर मैंने अप्लाई किया तो पहले कॉलम में तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, सी टू माइनस सी थ्री इन दोनों में, तो वन माइनस वन जीरो, और वाई प्लस जेड माइनस माइनस एक्स, यानी वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये वन माइनस एक्स एक्स वाई एज इट इज रहा। तो अब दो जीरो मिल गए ना तुम लोगों को, तो अब पहली रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये जीरो के और वन के अबाउट करना होगा, तो प्लस माइनस प्लस। चलो इसको मैं कर देता हूँ, अब जरा थोड़ा जगह बना लेता हूँ बोर्ड पे, अब सॉल्व होने वाला है वो, बस देखिए चला। तो ये हो गया मेरे पास एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, और उस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन इंटू, ये चार बचे तो वन इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस जेड इंटू दिस मच, तो माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये बचा मेरे पास। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुछ और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड, यहाँ क्या बचा माइनस है तीनों में, माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और ये माइनस से इसको पलट दो, क्योंकि हमें जेड माइनस एक्स चाहिए, ये एक्स माइनस जेड लिखा है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये हो गया जेड माइनस एक्स, और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। थोड़ा थोड़ा टिपिकल हो रहे हैं क्वेश्चन, अभी आगे और अच्छे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, इन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
कि हम लोगों को कौन सा ऑपरेशन कब लगाना है। ऐसा नहीं, देखो मुझे तो ये चीज़ें आती हैं तो मैं जल्दी ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो इन सवालों को जब तक दो दो बार नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और तुम ये भी होगा अभी तुम्हारे साथ कि सर इसकी जगह कोई और ऑपरेशन लगा देते तो शायद ज़्यादा ईजी हो जाता। बिल्कुल होगा ऐसा, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, सेकंड खुद करना, एकदम सेम है। देखो जरा इसमें बहुत ध्यान से देखो, चाहे आप ऐसे देखें रो में चाहे कॉलम में देखें, आप देखो x प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स, यानी अगर तीनों एलिमेंट देखो तो हैं सेम ही, बस अलग अलग पोजिशन पर हैं। तो ऐसे सवालों में क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँ कि तीनों रो या तीनों कॉलम ऐड कर दूँ तो क्या होगा उससे फ़ायदा। चलो मैं एक काम करता हूँ, तीनों कॉलम ऐड कर देता हूँ। तो मैं लगा रहा हूँ C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, ये अप्लाई कर रहा हूँ, देखो क्या मिलेगा मुझे। तो इसमें ये जोड़ता हूँ तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 कितना हो गया 5x प्लस 4। ये इसमें भी करूँगा तो ये भी कितना होगा 5x प्लस 4। C1 में ही कर रहा हूँ, ये इसमें भी करूँगा तो क्या होगा 5x प्लस 4। ये एज इट इज़ रहने दो, आप यही ऑपरेशन जो थे वो रो में भी लगा सकते थे। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मुझे ये प्रूव करना था 5x प्लस 4 दिख रहा है ना, 5x प्लस 4 कॉमन ले लो, तीनों में ही है, क्या बचा 1 1 1। और जहां तुम्हें तीन वन दिख जाएं तो सवाल बड़ा आसान हो गया। कैसे बोलो, जल्दी बोलो कैसे। अरे इसमें से ये सबट्रैक्ट करो जीरो, और इसमें से ये सबट्रैक्ट करो जीरो, दो जीरो मिल गया ना, दो जीरो मिल गया तो आप एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे आंसर आ जाएगा। चलिए तो बस क्या करें, अब इसमें से ये सब ट्रैक करें, यानी ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, यहां लिख देता हूं, यहां पे कर रहा हूं। तो ऑपरेशन अप्लाई क्या कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं R1 में से सब ट्रैक कर देता हूं R2, और फिर R1 में से चलो R3 सब ट्रैक कर देता हूं, और इधर R2 में भी क्या सब ट्रैक कर देता हूं, R2 माइनस R3 कर देता हूं सब ट्रैक। देखो जरा, तो R1 में अगर मैं R3 सबट्रैक करूंगा तो 1 माइनस 1 कितना मिलेगा 0, 2x माइनस 2x कितना मिलेगा 0, और 2x माइनस x प्लस 4 कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे x माइनस 4। फिर से चेक कर लो एक बार, R1 में से R3 माइनस कर रहा हूं तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, 2x माइनस x माइनस 4, ये में आएगा x माइनस 4। इसके बाद में R2 में से R3 माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास 0, x प्लस 4 में से 2x माइनस करो, x प्लस 4 माइनस 2x कितना बचा 4 माइनस x, तो यहां पर आ गया 4 माइनस x, और इसमें से ये सब ट्रैक करोगे तो आपकी बार क्या आ जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा, और 3 में हमने कुछ नहीं किया है तो 1 2x एंड x प्लस 4। तो बच्चों अब इसके आगे आप लोग खुद करना, करने के लिए कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर देखिए दो जीरो आ गए हैं इस रो में या इस कॉलम में, तो आप चाहे तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा x माइनस 4। अच्छा कुछ हमने कॉमन ले रखा है, वो चल रहा है साथ में भाई, 5x माइनस 4 कॉमन है ना, तो वो चल रहा है 5x माइनस 4 ऐसे चल रहा है। तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू 0 इंटू दिस, और 1 इंटू 0 इंटू दिस यानी 0 माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स। तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया यहाँ से 5x माइनस 4 ये वाला, और यहाँ क्या बचा x माइनस 4, x माइनस 4 इंटू x माइनस 4, यानी हो गया 5x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 4 माइनस x का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो गया 4 माइनस एक्स, लेकिन वो माइनस स्क्वायर होके बाहर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट बच्चों बिल्कुल वैसे ही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 का कॉन्सेप्ट भी देखो तुम लोग, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये 2b 2c। मुझे लगता है ऊपर वाले में माइनस नहीं होगा, ज़रा क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, हाँ पहला वाला जो है वो माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है। चलिए अब इसमें भी देखो, अगर मैं तीनों को ऐड करूँ, इन तीनों को ऐड करूँ, अगर इनको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, और इनको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, वो मैं रफ एक जगह कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ज़रा अगर ऐड करूँ मैं इन तीनों को तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, क्या बचा बच्चों
ए प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड, और इसको ऐड करूंगा तो भी यही आएगा, इसको ऐड करूंगा तो भी आएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से कॉमन हो जाएगा, यानी मैं ऑपरेशन उसमें अप्लाई करता हूं क्या, आर वन में अप्लाई कर रहा हूं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। चलिए तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी, ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस टू सी, और ये हो जाएगा 2a प्लस टू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, और इनमें तो कोई ऑपरेशन मैंने अप्लाई नहीं किया है तो इनको एज इट इज रहने देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो टू सी में से एक सी गया तो सी बचा, टू बी में से एक बी गया तो बी बचा, और ए था यहां पर तो क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करके देखो, टू ए में से एक ए गया तो ए बचा और बी पे, हाँ ये भी बचा ए प्लस बी प्लस सी। इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये भी बचा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, नीचे भी मैंने कुछ ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो वो एज इट इज सेम कॉपी कर दे रहा हूं मैं। अब ऊपर में तीनों में सेम है यानी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूं, क्या बचा वन वन वन, ये टू बी ये टू सी, थोड़ा पास लिख लेता हूँ जगह बच जाएगी, बी माइनस सी माइनस ए टू सी, और वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब देखो बच्चों ध्यान से, तीन वन मिल गए ना, तो इनको इनको सब्ट्रैक्ट कर दो और इनको इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन हमारा, और दो जीरो बना के छोड़ दूंगा, फिर तुम लोग एक्सपेंड करना। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ इसमें C1 में C1 माइनस C3 और C2 में भी C2 माइनस C3। चलो C1 में से C3 माइनस करो तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 2B माइनस 2B कितना हो गया 0, और 2C माइनस दिस मच, तो अलग कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2C माइनस C माइनस A माइनस B, ब्रैकेट ओपन करूंगा 2C माइनस C प्लस A प्लस B, तो यहाँ 2C माइनस C C प्लस A प्लस B, यहाँ से क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी, और बहुत ध्यान से एक ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बाहर भी चल रहा है। चलिए आगे दूसरा ऑपरेशन सी टू माइनस सी थ्री, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वन माइनस वन कितना आएगा जीरो, और बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, तो बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर टू सी में से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है तो ये हो गया। अभी इसमें से देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, और एक ए प्लस बी प्लस सी यहां से भी कॉमन हो जाएगा, तो अगर एक तो ये बाहर चल ही रहा है और इसमें से अगर कॉमन लोगे तो a प्लस बी प्लस सी एक और आएगा, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास जीरो जीरो वन, और इसमें से भी एक a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो एक और, तो यहां क्या बचा मेरे पास जीरो माइनस वन और वन, और ये वन टू बी और सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के मुझे लगता है वन आने वाली है, तभी ये तीनों मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अबाउट एक्सपेंड कर देना, पहली रो के अबाउट ही कर दो, चलो ऐसे कर देना, तो जीरो इंटू वन, हाँ ठीक तो है, ये आ गया यहां से ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ये वाला, और इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा अब एक्सपेंशन वन इंटू जीरो इंटू वन जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन, और वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन, तो जीरो प्लस वन वन, तो वन इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 भी वैसे ही आप चेक करो, देखो वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वन एक्स, मतलब तीनों को अगर ऐड करूंगा तो सेम ही मिलेगा मुझे जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ इसमें R1 में अप्लाई करता हूँ R1 वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा पहला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो ये भी यही हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो ये भी यही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी एज इट इज अभी रहने दो। इसमें से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा 1 1 1, बस तीन वन दिख जाए तो बस खुशी हो जाती है, क्योंकि अब मैं दो जीरो तो बना ही लूंगा कम से कम, है ना।
अब दो जीरो कैसे बना सकता हूं, आर वन में से आर थ्री माइनस कर दूं और आर टू में से भी आर थ्री माइनस कर दूं, तो यही दोनों ऑपरेशन में लगाने जा रहा हूं, यानी आर वन में अप्लाई कर रहा हूं आर वन माइनस आर थ्री और आर टू में अप्लाई कर रहा हूं आर टू माइनस आर थ्री। अच्छा एक ये कोशिश क्या करो, जैसे मैंने यहां पर आर वन में आर वन माइनस आर टू नहीं किया है क्योंकि आर टू में मैं एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो कोशिश करेंगे कि उसको ज्यादा जगह इन्वॉल्व ना करें। तो अब R1 माइनस R3 यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, इन दोनों को करूंगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें से x कॉमन होगा तो 1 माइनस x और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से आया, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और यहां पर क्या आएगा x माइनस 1 आएगा और तीसरे में कुछ अप्लाई नहीं किया तो उसको एज इट इज रहने दो, ठीक है बच्चों। अब ऊपर वाली लाइन से देखो 1 माइनस x कॉमन है तो होगा क्या, पहले तो ये कॉमन चल ही रहा है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है, तो 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर और क्या कॉमन आया 1 माइनस x पहली रो से कॉमन है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं दिखेगा नहीं वरना, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और क्या कॉमन लिया 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा यहां पर, यहां तो जीरो है ही है, यहां एक्स बचेगा और यहां इसका रिवर्स होके बाहर गया यानी यहां एक माइनस साइन बचेगा यानी माइनस का 1 प्लस एक्स यहां बचेगा, ठीक है। यहां से भी तो 1 माइनस एक्स कॉमन है तो 1 माइनस एक्स यहां से भी बाहर ले लो एक और, तो 0 1 प्लस एक्स 0 1 प्लस एक्स और ये क्या ये भी रिवर्स हो गए यानी माइनस का एक्स माइनस का 1 क्योंकि यहां पर हमने कॉमन लिया 1 माइनस एक्स और ये है एक्स माइनस 1, फिर नीचे 1 एक्स स्क्वायर और 1। अब देखो बच्चों इसमें दो जीरो मिल गए तो बस इसको एक्सपेंड कर देना तुम्हारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो कोशिश करेगा अपने आप इसको आगे करने की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है हम लोगों को। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो इसमें आप जब देखोगे कि तीनों को ऐड करें तो भी सेम निकल के कॉमन नहीं होगा, कुछ जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो कैसे बन सकता है, अगर इस वाले में मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस टू ए भी और इसमें ऐड कर दूंगा तो एक जीरो यहां मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकता हूं मैं, चलो पहले ये अप्लाई करके देखते हैं बाकी बाद में देखा जाएगा। तो मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, सी टू में अप्लाई कर रहा हूँ सी टू प्लस ए सी थ्री, चलो तो वन में तो कुछ नहीं कर रहा तो एज इट इज रहने देता हूँ अभी, अच्छा सी टू में तो अप्लाई कर रहा हूँ C2 में अप्लाई कर रहा हूँ C2 प्लस ए सी थ्री, देखो जरा ध्यान से भाई, तो इसमें A से मल्टीप्लाई किया माइनस टू ए भी और इसमें जोड़ दिया कितना हो जाएगा जीरो, इसमें A से मल्टीप्लाई करो टू ए स्क्वायर और इसमें जोड़ दो तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें A से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो तो मैं अलग कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो माइनस टू ए प्लस इसमें a से मल्टीप्लाई तो a माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, तो माइनस टू ए प्लस ए कितना हो गया माइनस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, इसमें से माइनस ए कॉमन ले लो तो बचा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहां पर कितना आ गया मेरे पास माइनस ए इंटू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें कुछ अप्लाई नहीं किया तो माइनस टू बी टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहां से अगर देखो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है बच्चों, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या बचेगा इसमें से कॉमन लिया है तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी टू बी जीरो वन माइनस ए माइनस टू बी टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं चाहता था दो ऑपरेशन साथ में लगा सकता था बट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है इसलिए मैं एक एक करके ऑपरेशन लगा रहा हूं। अब देखो जरा यहां पर
अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2ab, और इससे सब्ट्रैक कर दूं तो एक जीरो मुझे यहां भी मिल जाएगा। तो मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। तो चलो ठीक है, यह ऑपरेशन लगाया था c1 में, c1 प्लस ac2। और अब मैं जो ऑपरेशन लगाने की बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि इसमें मल्टीप्लाई करूंगा किससे, b से, और इसमें से सब्ट्रैक कर दूंगा। यानी मैं ऑपरेशन लगाने की बात कर रहा हूं c1 में, c1 माइनस bc3। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। चलो, तो इसमें b से मल्टीप्लाई और इसमें से सब्ट्रैक करना है। तो ये हो गया माइनस 2b2, और इसमें से सब्ट्रैक करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहां लिखता हूं ना मैं, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस 2b2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये प्लस 2b2 में से एक बी स्क्वायर बचा तो प्लस का बी स्क्वायर। यानी कुल मिला के बचेगा केवल इतना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, c1 माइनस bc3, इसमें b से मल्टीप्लाई करो 2ab, और इसमें सब्ट्रैक करो तो ये हो गया 0। इसमें b से मल्टीप्लाई करो और इसमें से सब्ट्रैक करो, यानी ये आएगा 2b माइनस, अब इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो तो b माइनस ba स्क्वायर माइनस b क्यूब ये आया है यहां पर। इसको जरा अलग से सॉल्व कर लेता हूं, ये भी कैलकुलेशन छोटी की जा सकती है। तो इसको अगर अलग से मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2b माइनस b प्लस ba स्क्वायर प्लस b क्यूब। 2b माइनस b हो गया, b प्लस ba स्क्वायर प्लस b क्यूब, b कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पूरे जो है मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस क्या मैं लिख सकता हूं, प्लस ए स्क्वायर प्लस, बस यही ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया था, ये हो गया। दोनों में कोई नहीं किया, 0 1 माइनस ए और माइनस 2b और 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर कॉमन क्या चल रहा था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां कॉमन चल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पहले कॉलम में फिर 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं, तो फिर से अगर मैं कॉमन लूंगा तो अब मेरे पास बाहर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, 1 0 बी 0 1 माइनस ए माइनस 2b माइनस सॉरी केवल 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा लग रहा है सॉल्व हो सकता है, एक जीरो और मैं इसमें बना सकता हूं। कैसे, अगर मैं इसे b से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो b माइनस b कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसको मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूं बच्चों, जरा देखें ध्यान से, जरा मिटाना पड़ेगा इसको। तो बच्चों ऑपरेशन इसमें अप्लाई करता हूं, इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूं। यानी ऑपरेशन मुझे क्या लगाना होगा, ऑपरेशन मुझे लगाना होगा R3 में R3 माइनस BR1, ये लगा देता हूं। देखो जरा ध्यान से अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है बाहर, हो जाएगा R1 में तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं रहा तो एज इट इज लिखा छोड़ देता हूँ, और ये हो गया 0 1 और 2a। अब इसमें लगा रहा हूँ केवल R3 में, तो इसको b से मल्टीप्लाई करो तो b से, तो ये b हो गया, b माइनस b कितना हो गया, 0 हो गया। इसको b से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही रहा, और इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस a ही रहा। इसी तरीके से इसको b से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2b स्क्वायर, और इसमें से माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस माइनस का 2b स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर बच्चों क्या आ गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बारी फिर से ये ऑपरेशन हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन इतनी। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये प्लस है, अब देखते हैं जरा, दो जीरो बन गए ना, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि ऐसे। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये तो प्लस होगा, 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बाहर चल ही रहा है। अब एक्सपेंड करते हैं तो 1 इंटू क्या जाएगा, 1 इंटू चेक करो ध्यान से, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस माइनस का 2a स्क्वायर। और बच्चों इसको अगर सॉल्व करोगे तो बाहर चल रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और अंदर चलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर, प्लस 2 ए स्क्वायर में से एक स्क्वायर गया तो क्या बचा यहां पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये तो क्यूब हो गया ना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। थोड़ा लेंदी सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पिछले जो दो तीन क्वेश्चन रहे हो सीबीएसई की बुक में एनसीईआरटी में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जरा। तो बच्चों देखो यहाँ से ए कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ से बी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से सी कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर ए बी सी, पहले ए कॉमन लिया मैंने तो यहाँ क्या बचा ए प्लस वन बाई ए, यहाँ पर बचा बी, यहाँ पर बचा सी। यहाँ से बी कॉमन लिया मैंने तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी प्लस वन बाई बी, और यहाँ बचा सी। यहाँ पर सी कॉमन लिया मैंने इनमें से तो सी यहाँ लिखा, ए बी सी प्लस वन बाई सी। अब बहुत ध्यान से देखो, अभी जीरो बना तो सकते हैं माइनस कर करके, लेकिन वो दो अलग अलग जगह बनेंगे, एक रो या एक कॉलम में नहीं बन रहे हैं। एक बात और भी है बच्चों, हम लोगों को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए जो अभी दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए स्क्वायर दिखने लगेगा, बी स्क्वायर दिखने लगेगा बी से कर दूं, और इसमें सी से कर दूं तो सी स्क्वायर दिखने लगेगा। यानी मैं ऑपरेशन क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, तीन मिला अप्लाई कर रहा हूं एक साथ, यानी आर वन को लिख रहा हूं ए आर वन, आर टू को लिख रहा हूं बी आर टू, और आर थ्री को लिख रहा हूं सी आर थ्री। और जब तीनों में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा एक बात और ध्यान देना, जब कॉलम से कॉमन लेते हैं तो रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो सवाल जल्दी हो जाता है। देखो मैंने कॉलम से कॉमन लिया था और रो में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसी से कर रहा हूँ जो कॉमन लिया था, प्रैक्टिस से अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो ए बी सी ये तो चल ही रहा था, अब मैं देखो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मुझे ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया ये बी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें करेंगे तो आएगा वन, और ये बी स्क्वायर, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो जरा, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ ऐसे आर वन में आर टू आर थ्री ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे देखते हैं जरा। तो मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि इनके तीनों एलिमेंट देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, साथ में प्लस वन, तीनों में ही है। तो मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ आर वन में, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये ऑपरेशन लगाते ही क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। यहां पर भी क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन, और इसमें भी अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी यही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन। जो ऑपरेशन लगाया था यहां लिख देता हूं, आर वन में लगाया था आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब देखो, अब बाकी दोनों में कुछ नहीं लगाया था, उसको एज इट इज रहने दो, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब ये तो तीनों में है तो कॉमन ले लेता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा वन वन वन, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। तो भैया तीन वन अगर दिख गए तो खुशी की बात है, दो को माइनस कर करके जीरो बनाया जा सकता है। तो ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, सी वन में से सी थ्री माइनस कर देता हूं, सी वन माइनस सी थ्री, और सी टू में से भी सी थ्री माइनस कर देता हूं तो मुझे दो जीरो दिखने लगेंगे। तो पहले सी वन में से सी थ्री माइनस करता हूं तो जीरो, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो, और यहां पर माइनस करूंगा तो सी स्क्वायर माइनस वन बचेगा। तो ये तो पहले ही ऑपरेशन से मुझे दिख गया दो जीरो। चलिए सी टू में अप्लाई करता है, सी टू माइनस सी थ्री, तो वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, यहां से कितना बचेगा वन, यहां से कितना बचेगा माइनस वन, ठीक है। और तीसरे को एज इट इज रहने देते हैं, वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो इसमें भी दो जीरो मिल रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो। तो जब एक्सपेंड, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, बाहर ये चल रहा है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां पर वन है, और इसके अबाउट हम लोग अब एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या मिलेगा। तो बच्चों
एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू क्या हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 1 यानी कि 0 माइनस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू दिस, यानी क्या निकल गया है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो हम लोगों को लेके आना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट